जैन, बेटा ये बताओ अस्का के घर कब लेकर जा रहे हो? अभी नहीं। क्यों, अब क्या मसला हो गया? खुदा के वास्ते अब कोई नया मसला मत बता देना। नहीं अम्मी, कोई मसला नहीं है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। तबीयत खराब है, क्या हुआ उसे? वो अस्का की छोटी सी सर्जरी हुई है। सर्जरी हुई है? बेटा फिर तो हमें उसकी खैरियत मालूम करने उसके घर जाना चाहिए ना। ऐसे करना, मुझे और अपने अब्बा को ना शाम को साथ ले जाना। नहीं अम्मी, अभी नहीं। आखिर मसला क्या है बेटा? पहले और मसाइल थे, अब ये, तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो, क्या बात है? बस अम्मी, यूं ही समझ लें कि इसका वक्त नहीं है अभी। जब वक्त आएगा तो मैं आपको खुद ही ले जाऊंगा, और प्लीज मुझसे और सवाल मत पूछिएगा। जरूर कोई बात है, ये मुझसे छुपा रहा है, सही तरह से बता नहीं रहा। अम्मा, अस्का। पापा, कैसी हैं? अंकल, कमल। सलाम अलैकुम अम्मा। दादो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अच्छा, सब सुने, हमारे यहाँ मेहमान आने और मैं उनके लिए ये चीजें लेकर आई हैं। कौन आ रहा है? बस अम्मा, है कोई खास मेहमान। कौन खास मेहमान? हमें भी तो पता चले कौन से खास मेहमान है। भाभी कहीं कुछ सरप्राइज तो नहीं देने वाली हैं? हाँ हाँ, वही समझो। मैंने तो उसको कभी इतना खुश नहीं देखा कमर को। कौन आ रहा है? अम्मा एक इससे पूछते, तुम्हें पता है कौन आ रहा है? मुझे कुछ नहीं पता, सुबह से कुछ नहीं बता रही है मुझे। बेसब्री क्यों हो रही हो? जब आएंगे तो मिल लेना और फिर खुश भी हो जाना। लो कमल, बता अभी दो ना, अब कौन आ रहा है? बस अम्मा, जब आएंगे ना तब मिल लेना, थोड़ा सब्र तो करें। अलीहा, इसका ये जरा फ्रिज में रखो ना, डब इनको तो रखो।